ठीक है। अब पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल। बाउल किस शेप का है? बाउल आपका सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब आपके पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है, ठीक है। अपने पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है बेटा, ठीक है। अपने पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है, सिलेंड्रिकल बाउल, ठीक है। एक अपने पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है, ठीक है। इसमें जो बेटा हमारे पास है, इसमें अपने पास जो डायमीटर दिया हुआ है, इसका बाउल का जो डायमीटर है ना, बाउल का डायमीटर है वो तो हमारे पास है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जब डायमीटर 7, तो रेडियस इसका हाफ कर देंगे अपन, तो आर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? इफ द बाउल इज फुल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, मतलब एक तरह से हाइट ये हो गया, जो सिलेंडर है ना उसका हाइट क्या हो गया? उसका हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर। सिलेंडर का हाइट क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो, अब तो बहुत इजी है ना। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, मतलब कितना सूप रोज बनाया जाए 250 पेशेंट्स को सर्व करने के लिए। और एक पेशेंट को बेटा आप सर्व किसमें कर रहे हो? सिलेंड्रिकल बाउल में कर रहे हो ना। मतलब एक पेशेंट को अपन सर्व कितना करेंगे? जितना कि उसका वॉल्यूम होगा। यदि मैं वॉल्यूम निकाल के उसको अपन 250 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो आपका इसके इक्वल आ जाएगा, जितना आप 250 पेशेंट्स को आप सर्व करोगे। देखो कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ से क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा बोल दूं क्या? देखना मैं क्या लिख रहा हूँ। सूप सर्व्ड टू 1 पेशेंट, जितना 1 पेशेंट को सर्व होगा, सूप सर्व्ड टू 1 पेशेंट। तो 1 पेशेंट को जितना कितना सर्व होगा? जितना कि उसका वॉल्यूम होगा बाउल का। वो के नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ द बाउल। और वॉल्यूम ऑफ द बाउल, क्योंकि ये सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व कर दें। पाई अपने पास कितना? 22/7। रेडियस कितना आ गया? 7/2। इसका स्क्वायर कर दें, और अपने पास एच कितना? एच अपने पास 4 है, ये कैंसिल हुआ, 2 2 और ये 4 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? ये आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो वो वॉल्यूम आया है जो कि आप, वो आया है जो कि आप एक पेशेंट को सर्व कर रहे हो। अपने पास पेशेंट कितने? 250 है। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करते हैं 250 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा क्या? सूप सर्व्ड टू 250 पेशेंट्स। 250 ले कितना आ जाएगा? अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 250 मल्टीप्लाई 154। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि अपन जानते हैं एक तरह से वॉल्यूम जो इस केस में वो आपका लीटर की फॉर्म में होता है। तो क्या कर दो, इसको आप डिवाइड कर दो 1000 से। 38500 डिवाइड बाय 1000, ये अपना, ठीक है, ये अपना 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया? ये आपका लीटर में आ गया, 38.5 लीटर्स। इतना आपको सर्व करना पड़ेगा 250 पेशेंट्स को। एक का निकाला, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया 250 के लिए। बोलो समझ में आया क्या बेटा ये क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 8 है, 13.6, जो अपना एक्सरसाइज 13.7 है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। तो ये अपना किस पर बेस्ड है? राइट सर्कुलर कोन पर बेस्ड है। ये अपना कोन पर बेस्ड है। तो अब सबसे पहले आप बस याद रख लो, वॉल्यूम ऑफ कोन हम पढ़ चुके हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने आपको लिखाया था, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। इसी पर ये बेस्ड आपके इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² h, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर करेंगे, कुछ आपको होमवर्क में मिलेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोल रखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया 7 सेंटीमीटर, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ अपने को रेडियस आर कितना दिया है? आर अपने पास 6 सेंटीमीटर है। हाइट मतलब एच कितना है? 7 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो निकाल दें अपन। तो अपन निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है ये हम जानते हैं। कोन का वॉल्यूम अपने पास होता है 1/3 πr² h होता है बेटा, ठीक है ना। तो सॉल्व कर दे, पाए देखो बोला 22/7, तो पुट कर देंगे, तो 1/3 πr 22/7। आर कितना अपने पास? 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई 6, और एच कितना है? 7 है। ये आपने 7 7 कट कर दिया, 3 से आपका 2 टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है। 44 मल्टीप्लाई 6, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब।
बहुत सिंपल था, आपको रेडियस दिया है, हाइट दिया है, फॉर्मूले में पुट किया और निकल के आ गया वॉल्यूम। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? नेक्स्ट आप देखो ये इसका जो जो सेकंड पार्ट है वो करोगे होमवर्क में, ग्रुप पर पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट देख रहा हूँ, फाइंड द कैपेसिटी। अब यहाँ आपसे पूछा है, देखो कैपेसिटी का मतलब होता है क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ आपसे वॉल्यूम पूछा है किसके अंदर, लीटर्स के अंदर पूछ लिया, बस कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे बाद में। आप डिवाइड कर दोगे 1000 से तो लीटर में आ जाएगा। कॉनिकल वेजल विद रेडियस, अब देखो यहाँ आपको क्या दिया है, यहाँ से देखना तो यहाँ पर अलग है। देखो बेटा यहाँ अपने पास रेडियस दिया है, तो रेडियस आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर, बट यहाँ स्लैंट हाइट है, मतलब यहाँ आपको एल दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब अपन कोण में एक फॉर्मूला पढ़ चुके, अब अपन देखो कोण में एक फॉर्मूला पढ़ चुके, क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 πr²h। यहाँ आपको आर तो दिया पर आपको एच चाहिए, तो अपन एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं स्लैंट हाइट का, वो फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला होता है इक्वल टू r² + h² होता है बेटा। एल तो आपको दे दिया, तो एल तो कितना हो गया 25 हो गया, इक्वल टू आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 7² = 49, और आपको यहाँ पर चाहिए एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें अपन क्या करते हैं, इसमें आप कर दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, तो यहाँ से हट जाएगा रूट। तो अपन यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ अपन कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो स्क्वायरिंग से बेटा क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा स्क्वायर, 625 इक्वल टू, ये आपको यहाँ से हट जाएगा स्क्वायर, 49 + h². ठीक है, हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे इसको अपन सॉल्व कर दें, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इसको अपन सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से अपने पास इसको आप सॉल्व कर दो, ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 625 - 49 = h², इसको अपन यहाँ पर और सॉल्व कर दें। ठीक है, तो कितना इसको आप माइनस करोगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा h² = ये आ जाएगा 576। ठीक है, ये आपका होता है 24 का। ठीक है, तो आपका h कितना आ गया, h आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। अब तो आपको h मिल गया, तो अब तो अपन निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोण, तो अपन निकाल दें, तो क्या बोल देंगे, देयरफोर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोण मतलब वही कैपेसिटी, एक ही बात है, क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 πr²h। ठीक है, तो पुट कर दें 1/3 π 22/7, आर अपने पास कितना है 7 है, तो 7 × 7 और h कितना 24, 7 से 8 टाइम कैंसिल, 3 से हो गया ये 8 टाइम कैंसिल। ठीक है, 22 × सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो देखना एक बार, 22 × ये आपका आ जाएगा 56। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो मल्टीप्लाई करने पर ये आपका आ जाएगा 1232, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है, बट आपसे पूछा है लीटर के अंदर, तो अपन जानते हैं इसको डिवाइड करते हैं अपन 1000 से, तो ये आपका लीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ये अपने पास 1232 अपन कर दें डिवाइड बाय 1000, तो ये आपका लीटर्स में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 है, 3 पर डेसिमल लगा दो, तो 1.232 लीटर्स ये आपका लीटर में आ गया। ठीक है ना, तो देख लो एक बार, दोबारा समझ लो हमने कैसे किया, बहुत सिंपल था भाई। इसमें आपको देखो रेडियस और आपको स्लैंट हाइट दिया है, तो आपको यहाँ पर आपको एच निकालना पड़ेगा ना, उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू स्क्वायर रूट में r² + h², आपको एल दिया है, देखो आर भी आपको दिया है, स्क्वायरिंग कर दिया 25 का 625, यहाँ से आपका ये आ गया 24, पुट करके सेंटीमीटर क्यूब में है, आपसे लीटर में पूछा है, तो अपने क्या क्या डिवाइड कर दिया 1000 से, तो कितना आ गया 1.232 लीटर्स। ओके, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2, बताओ क्या बढ़ते हैं नेक्स्ट देखना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इसको देखो, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ कोन, मतलब आपको एच दे दिया, एच अपने पास कितना है, ये अपने पास 15 सेंटीमीटर है, साथ में आपको वॉल्यूम दे दिया, अपने को वॉल्यूम कितना दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। ठीक है, आपको रेडियस निकालना है, आपको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर देते हैं, सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो अपन जानते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन हमें पता होना चाहिए, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन ये होता है 1/3 πr²h। वॉल्यूम आपको कितना दे दिया क्वेश्चन के अंदर, 1570। ठीक है, 1/3, अब देखो बेटा पाई यदि क्वेश्चन में बोल रखा है, तो जो दिया है ना आपको वो यूज करना पड़ेगा, नहीं दिया तो आपकी मर्जी है, पर जो दे दिया तो आपको वो यूज करना पड़ेगा। पाई यहाँ पर कितना बोला है 3.14, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। आर आपको निकालना है, एच अपने पास कितना है बेटा, एच अपने पास 15 है। ठीक है, 3 से आपका ये 5 टाइम कैंसिल हुआ, इसको शिफ्ट कर दो, तो ये दोनों आपके नीचे अपॉन में आ जाएंगे, तो 1570
डिवाइड में कितना आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करें तो देखो यहां से अपने पास पहले इसको कट कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5 3 15, ठीक है, और यहां से कितना 5 5 और ये आपका 314 आ जाएगा। तो यहां से अपने पास आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 314 अपॉन कितना है 3.14। ऐसा करो डेसिमल रिमूव करके ऊपर कितना आ जाएगा, आ जाएगा 100, ये से कैंसिल हुआ तो यहाँ से अपने पास कितना आया आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो यहाँ से बेटा आर कितना आ जाएगा आपका 10 आ गया। तो आप क्या बोल दोगे, आप लिख दोगे यहाँ पर क्या बोल दोगे, देयरफोर रेडियस ऑफ द बेस ये आपका आ गया, देयरफोर रेडियस ऑफ द बेस ये कितना आ गया, ये अपना आ गया 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आया। तो बहुत सिंपल था बेटा, आपको यहाँ पर हाइट दे दिया, हाइट दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, तो अपने सिंपल क्या फॉर्मूला अप्लाई किया वॉल्यूम ऑफ कोन का, वो क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर एच, वॉल्यूम आपने पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया, पाई आपको दे रखा है वो पुट कर दिया, आर आपको निकालना है, एच दिया हुआ है, सबको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये से कैंसिल हुआ 314 टाइम्स, डेसिमल रूम करके आपको 100 आ गया, कैंसिल हुआ तो आर कितना आ गया, रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या बेटा ये क्वेश्चन, बोलो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 करोगे होमवर्क में, ग्रुप पर अभी पोस्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अ कॉनिकल पिट ऑफ टॉप वो आपका कोन शेप का है ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप, डीप मतलब वही आपको हाइट दे दिया, डेप्थ दे दिया, तो अपन लिख लें अपने पास डायमीटर कितना दिया है कॉनिकल टिप कॉनिकल पिट का, ठीक है, डायमीटर अपने पास कितना दिया हुआ है 3.5 मीटर है, ठीक है, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा ये लिख दें अपन, इसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3.5 अपॉन 2 मीटर, ठीक है, डीप मतलब आपको ये हाइट दे दिया h, ठीक है, तो हाइट कितना दे दिया, ये अपने पास 12 मीटर है, ठीक है, ये आपका r हो गया, ये आपका h हो गया। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोलीटर्स, ठीक है, किलोलीटर्स में आपसे बोल दे, तो पहले अपन नॉर्मल निकालते हैं, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम ही होता है, पहले अपन ये निकाल दें, ठीक है, तो पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम, वही मतलब कैपेसिटी एक ही बात है, तो वॉल्यूम मतलब क्या कोण है, तो क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉल्व कर दें 1/3, अब देखो पाई कुछ दिया हुआ नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हो 22/7 लिख दें, आर अपने पास कितना 3.5/2 है, तो दो बार तो 3.5/2 क्योंकि स्क्वायर है, इंटू 3.5/2 और मल्टीप्लाई एच, एच अपने पास कितना है 12 है, ठीक है, हो गया, सॉल्व करें इसको, तो देखो 7 से ये आपका 0.5 टाइम कैंसिल, ठीक है, 3 से आपका ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 ये 4 पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 22 मल्टीप्लाई 0.5 और मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये आपका आ जाएगा 38.5 मीटर क्यूब, ठीक है, 38.5 मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर देखो किलोलीटर्स है, ठीक है ना, किलोलीटर्स आपसे बोल रखा है, तो देखो यदि मुझे मुझे बताओ यदि मुझे मीटर क्यूब को लीटर में करना हो तो बेटा क्या करेंगे, मीटर क्यूब है इसको मुझे लीटर में करना हो तो बेटा क्या करेंगे, बतिया देखना, सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपका मीटर क्यूब में आया था, आप पहला कर दो इसको लीटर्स में कन्वर्ट, तो हमने क्या कर दिया बेटा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका लीटर्स में हो गया ये। अब करना है आपको इसको इन टर्म्स ऑफ किलोलीटर्स में करना है ना, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से, कैंसिल होके ये आपका 38.5 आ गया किलोलीटर्स। बोलो समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर ये 6 है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो इसको देखना, इसके 3 पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट तो हाइट ऑफ द कोन है, सेकंड पार्ट में जो पूछा गया है यहां पर, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रखा है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, मतलब एल निकालना है, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, और थर्ड पार्ट में आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये आपके पास 3 पार्ट्स है, तो देखो करना स्टार्ट करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, अपने पास वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 9,856 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास वॉल्यूम दिया हुआ है। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, और आपको डायमीटर दे दिया बेस का, ठीक है, डायमीटर कितना दे दिया, डायमीटर अपने पास है 28 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दोगे आप 28 अपॉन 2
तो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। तीन चीज निकालनी है, हाइट निकालते पहले अपन हाइट तो निकाल दें। फर्स्ट पार्ट तो आप सिंपल अप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आर आपको दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम जानते हैं ये होता है 1/3, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करें तो यहां से अपने पास 1/3 पाई 22/7, आपके पास आर कितना चुका है 14, तो स्क्वायर तो 14 × 14, ठीक है, एच निकालना है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है 9856 दिया है बेटा। ठीक है, देखो 7 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, वाह कैंसिल हो गया। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं, इन सबको शिफ्ट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा 98563 आपका ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सारे आपके डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें सारे आपके डिवाइड में आएंगे, 22 × 2 × 14 = h। समझ में आया कि नहीं आया कैसे अपन कर रहे हैं? ठीक है ना, ओके ये हो गया। तो इनको जब आप सब जब ये पूरा आप सारा आपस में सॉल्व करोगे ना, ये सारा आपस में कैंसिल हो के आपका h जो आएगा ना भाई, देखो इसको पहले से आप डिवाइड करो, देखो अपन डिवाइड करते हैं, यहाँ पर से हो गया 40 से कितना आ गया, ये पूरा आ गया 352। अपन लिखते हैं पर नीचे कितने पास क्या क्या बचा, 352 × 3/22 = h। अब देखो ये इससे भी हो जाएगा, 22 से करो आप 352, ठीक है, तो पहले तो वन टाइम हो गया 22, ये 3 है, ये 1 है, ये ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16 टाइम्स कैंसिल, पूरा 16 टाइम्स। तो यहां से आपका हाइट कितना आ गया, हाइट आपका आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ओके, ये आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है तो आपको करनी पड़ेगी, आपको वॉल्यूम दिया है, आपको रेडियस दिया हुआ है, तो आपका हाइट निकल के आ गया, हाइट ऑफ कोन आया। फर्स्ट पार्ट समझ में, सेकंड पार्ट देखना, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, आपको देखो आर पता है, एच मिल गया, तो अपन एल निकाल सकते हैं ना फॉर्मूले से, आपको सेकंड पार्ट में निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, तो ये अपने पास मतलब आपको एल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, सो एल इक्वल टू आर स्क्वायर, अपने पास देखो बेटा आर कितना है, ठीक है, आर अपने पास है 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एच अपने पास क्या है 48 है, तो ये अपना हो जाएगा 48 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से अपने पास एल इक्वल टू 14 का स्क्वायर तो होता है 196 प्लस 48 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 2304। ठीक है, इनको आप ऐड कर दोगे, सो एल इक्वल टू ऐड करने पर ये आपका आ जाएगा, देखो ऐड करो 6 + 4 = 10, 9 + 1 = 10, ये आपका 2500 ये आ जाएगा, और ये आपका होता है 50 का, तो यहाँ से आपका एल कितना आ गया, ये आपका आ गया 50 सेंटीमीटर। तो आपने सेकेंड पार्ट निकाल दिया, जो स्लैंट हाइट है वो कितना आ गया 50 आ गया। थर्ड पार्ट पूछा है कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन, सी एस होता है पाई आर एल। ठीक है, तो अपन थर्ड पार्ट निकाल दें, थर्ड पार्ट इजीली हो जाएगा। थर्ड पार्ट आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो सी एस ए जो होता है, सी एस ए कोन का होता है पाई आर एल। अब देखो आप एल भी आपको मिल चुका, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, 22/7, अपने पास आर कितना है और आपके पास 14 है, ये पुट कर दे, ठीक है, 14 और मल्टीप्लाई 50, सॉल्व कर देंगे, ये हो गया, तो 22 × 100 ये आ जाएगा 2200 cm², ये सी एस ए आ गया। तो बस ये जो है आपने ये जो किए कैलकुलेशन, ये आपके सही होने चाहिए। सबसे पहले हाइट ऑफ कोन था, हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए देखो आपको रेडियस दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आपने पुट किया तो आपका एच आ गया 48 सेंटीमीटर। सेकंड आपको निकालना स्लैंट हाइट एल निकालना है, तो उसके लिए आपको देखो आर दिया हुआ था, आपने एच निकाल लिया, सॉल्व किया 50 आ गया। थर्ड केस में आपसे पूछा है सी एस ए, तो बोलता है पायर एल, आप आर एल सब आ गया, पुट किया तो सी एस ए आ गया। समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? बोलो करते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसको समझना बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7th है, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा इसमें, मतलब प्रैक्टिकल थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो इसका फिगर ये दिया है, इसको फिगर को बाद में देखना, पहले एक क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अ राइट ट्रायंगल एबीसी, अ राइट ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पर ट्रायंगल ये ड्रॉ कर रखा है एबीसी, पहले ये देखो, एबीसी विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, एक साइड तो 5 है, दूसरा 12 है और तीसरा आपका 13 है। जब राइट ट्रायंगल है तो बेटा हम जानते हैं राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस की लेंथ सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा कौन सी 13 है, तो 13 तो आपका ये हो जाएगा बेटा, ये 5 हो गया, ये 12, ये तो आप कैसे मान सकते हो,
हुआ ये आप ठीक है ना, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, मतलब आपने इस राइट ट्रायंगल को इस 12 के अबाउट मतलब ए बी के अबाउट आपने इसको रिवॉल्व किया। जब इसको आप रिवॉल्व करोगे तो जो यहाँ पर ये पार्ट था ये सेम पार्ट इस तरफ आ जाएगा बेटा। देखो मेरी बात समझना, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो आप, ये आपका ट्रायंगल है मेरे भैया को यहाँ पर समझना। मैं आपको यहाँ पर एक बार दोबारा ड्रॉ कर दिखाता हूँ, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका राइट ट्रायंगल है ठीक है, ये आपका राइट ट्रायंगल हुआ जिसमें कि आपको बोल रखा है ये अपने पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये अपने पास 5 सेंटीमीटर है, ये अपने पास 12 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 13 सेंटीमीटर है। उसने आपसे क्या बोला कि आपने जब इसको 12 के अबाउट रिवॉल्व किया, जब आपने इसको ए बी के अबाउट रिवॉल्व किया मतलब रिवॉल्व मतलब जब इसके अबाउट आपने इसको घुमाया, जब ये इसके अबाउट घूमेगा तो बेटा सेम टू सेम पोर्शन इस तरफ बन जाएगा। इस तरीके से सोच के देखो बेटा बनेगा क्या, जब आप इसको रिवॉल्व करोगे इसके अबाउट ए बी के अबाउट रिवॉल्व करने पर जो ये इस साइड का पोर्शन था सेम इस साइड भी आ जाएगा, क्योंकि रिवॉल्व तो ऐसे होगा ना वो गोल गोल घूमेगा बेटा। सोच के देखो ऐसा हुआ कि नहीं होगा, रिवॉल्व किया है आपने ए बी के अबाउट तो ऐसा बनेगा सेम टू सेम इस तरफ पोर्शन। सोच के देखो बनेगा क्या बेटा, बताओ जरा बनेगा ऐसा पोर्शन जब रिवॉल्व करोगे आप। आपने ए बी के अबाउट रिवॉल्व किया है तो ए बी के अबाउट रिवॉल्व करने पर कुछ इस तरह से बनेगा नहीं बनेगा पोर्शन, बताओ जरा बेटा मुझे पहले बताओ, ऐसा घूमेगा ना गोल गोल। देखो यहाँ पर देखो, देखो मेरी बात समझना, जैसे मैं देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखो मेरी बात समझो, हमने आपसे देखो बेटा यहाँ समझना वो ऐसा घूमेगा बेटा गोल गोल घूमेगा ना। देखो आपने क्या किया, आपने देखो इसके अबाउट ये ए बी के अबाउट अपना देखो ए बी ये है, ये ए बी है, अब ए बी ये है, इसके अबाउट जब रिवॉल्व करोगे तो बेटा जो यहाँ पर सपोज ये ऐसे था तो उठ के बेटा वो ऐसे इस तरफ आएगा नहीं आएगा। सोच के देखो भाई इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है वैसे गोल 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 गोल, तो सेम ये होगा ये वाला पोर्शन। सोच के देखो आएगा क्या बेटा इस तरीके सेम टू सेम, जो यहाँ पर लेंथ था सेम 13 का ये आ जाएगा, सेम ये आपका 5 का आ जाएगा, बताओ, और ये आपका कोण बन जाएगा पूरा एक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बनेगा ऐसा कोण, सोच के देखो बेटा, नहीं आया तो मैं दोबारा समझाऊं, बताओ बेटा। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड, रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर, देन अ कोन इज फॉर्म्ड, एक कोन बन गया ठीक है ना, एक कोन बन गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपसे पूछा है वॉल्यूम सर, तो अपना वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देंगे अपन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन के केस में, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 पाई तो आपने पुट कर दिया बेटा है ना, अब देखो इसमें आर क्या हो जाएगा, देखो ये पर डायमीटर कितना 10 हो गया, तो आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 × 5 और एच कितना हो जाएगा ये 12, एच हो जाएगा 12, बस सॉल्व कर दो, 3 से आपका ये 4 टाइम कैंसिल हुआ, तो यहाँ से 22 × ये आपका 5 × 5 = 20/7 इसको आप सॉल्व कर दोगे ठीक है। तो देखो उन्होंने पाई की फॉर्म में आंसर दिया हुआ, तो पाई की फॉर्म में कितना आ जाएगा, देखो ये तो आपका पाई हो गया, तो इसको बोल दोगे आप 100 πcm³, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेंड। तो आप क्या लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेंड, सो ऑब्टेंड वो कितना आ गया, वो आपका आ गया 100 πcm³। तो एक बार दोबारा समझ लो बेटा क्या मतलब हुआ, जब आपने 12 के अबाउट इसको रिवॉल्व किया तो बेटा जब उसको आप रिवॉल्व करोगे तो सेम टू सेम पोर्शन आपका बन जाएगा इस साइड में, और वो पूरा आपका एक कोन बन जाएगा, जैसे कि रेडियस तो हो जाएगा 5 और हाइट कितना 12 हो जाएगा, बस कोन का फॉर्मूला अप्लाई किया और ये सॉल्व हो गया। बताओ समझ में आया कि ये क्वेश्चन, कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में तो पूछ लो बेटा। अब ऐसे देखो ये भी आपका प्रीवियस पे बेस्ड है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको पढ़ते हैं, ये आपका प्रीवियस जैसे क्वेश्चन है, आपसे क्या बोल रखा है, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, जो आपका क्वेश्चन 7 आपका ये था, ये था आपका ट्रायंगल 12 5 13 था, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5, अब आपने इस 5 आपने बीसी के अबाउट रिवॉल्व किया है, जब आप बीसी के अबाउट रिवॉल्व करोगे भाई, देखो आपने बीसी के अबाउट रिवॉल्व किया है तो हम बीसी को ऐसा बना लें भाई, इसको ऐसा लिख लें अपन, बात तो देखो ही हो जाएगी भाई, आपने बीसी के अबाउट रिवॉल्व किया तो मैं इसको ऐसा बना दूं क्या, बीसी को ऐसे लिख दो आप ठीक है, बीसी को हमने ऐसा मान लिया ठीक है, ये आपका 12 इस तरीके से हो गया, ये आपका 13 ये हो जाएगा, मैं ऐसा बोल दें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, इसको आपने से बोल दें ये बी, ये सी है, ये ए है, बीसी अपने पास कितना 5 था ठीक है, ए बी अपने पास कितना 12 था, ये आपका 13 था, आपने ऐसे बना दिया। अब वही आपने 5 के अबाउट रिवॉल्व किया है तो वही जो आपका सेम यहाँ पर था वही आपका सेम यहाँ बन जाएगा इस तरफ, कैसा बनेगा यदि मैं बोलना चाहूं, कुछ बन जाएगा इस तरफ ऐसा सेम टू सेम पोर्शन, ये
जब बीसी के अबाउट रिवॉल्व करोगे देखो वही आपका ही पूरा कोन बन गया, एक बन गया कोन बेटा, बन गया कोन, जिसका की हाइट तो हो गया 5 और रेडियस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? उसमें आपने रिवॉल्व किया 12 के अबाउट, यहाँ आपने 5 के अबाउट रिवॉल्व कर दिया, तो अगेन ऐसी बन गया बेटा कोन, बन गया नहीं बन गया, ये जो था आपका ये सेम मतलब आपका 13 ही हो गया, ये 12 तो ये भी आपका 12 हो गया, मतलब पूरा डायमीटर 24 हो गया, हाइट आपका 5 हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखोगे आप, ठीक है, व्हेन द ट्रायंगल एबीसी, यहाँ बोल दोगे व्हेन द ट्रायंगल एबीसी इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड बीसी अ कोन इज फॉर्म्ड, ये लिख दोगे आप, विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, विद रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट, विद रेडियस 12 सेंटीमीटर और हाइट कितना अपने पास 5 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, इसका वॉल्यूम निकालते हैं पहले, फिर आपको रेशियो निकालना है, तो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वही कोन बन जाएगा बेटा। तो क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, तो वही कोन बनेगा। तो क्या हो जाएगा कोन के केस में, वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन, तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वही पाई की फॉर्म में निकाल दो आप, तो पाई को आपने पाई रहने दिया, 3 आर अपने पास यहाँ पर कितना 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 × 12 और एच आपका आ जाएगा 5, ये कट हुआ, ठीक है। तो यहां से अपने पास कितना आ गया पाई मल्टीप्लाई, ये आपका 12 × 20, तो ये आपका आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं बेटा, बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये हमें अभी यहां तक फाइंड किया है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, बोलो इतना समझ, ठीक है। अब पढ़ो, फाइंड ऑल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन 7 and 8, मतलब 7th अपने पास जो आया था उसका, इसका और इसका रेशियो आपको निकालना है, तो निकालने अपन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। तो देखो इस केस में कितना आया था 100 पाई, इस केस में तो आपका आया था 100 पाई, तो लिख दें ये तो आपके पास 100 पाई, नीचे अपने पास कितना 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कैंसिल हुआ, ठीक है, इसको कर दो 2 से ये 5 टाइम, 2 से ये आपका ये 12 टाइम, तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया 5:12, दोनों केस में जो वॉल्यूम है उनका रेशो कितना आ गया 5:12 आया। बताओ दोनों समझ में आया क्या क्वेश्चन बेटा, 7th और 9th है, ये देख लो, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये देखना लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, देखो अ हीप ऑफ वीट, इसको पढ़ना, अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, कोन की फॉर्म है, तो अपन देखो पहले बना देते हैं, एक हीप है वीट का वो कोन की फॉर्म में है, ये हमने बना दिया, ठीक है, ये कोन की फॉर्म में हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये आपने बना दिया, अ हीप ऑफ वीट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन की फॉर्म में हो गया, हूज डायमीटर मतलब ये पूरा, ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये इतना, ये आपको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट, जो हाइट है पूरी वो है आपकी 3 मीटर, ठीक है, ये दोनों आपके मीटर में ही है, ये आपका हाइट है, ये कितना दिया आपको, ठीक है, ये हाइट जो है ये आपको 3 मीटर दिया हुआ है, ये ठीक है, ये पूरा अपने पास क्या है, ये आपका 3 मीटर आपको हाइट दिया हुआ है, 3 मीटर, ये भी आपका मीटर में ही है, सेंटीमीटर में नहीं है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है, ये भी आपका मीटर में ही है, दोनों आपके मीटर में दिए हुए हैं 10.5 मीटर और ये आपका 3 मीटर है, ओके। फाइंड इट्स वॉल्यूम, अब पहले तो अपन निकाल दें, फिर इसका सेकंड पार्ट भी हो रहा है, पहले वॉल्यूम फाइंड कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हीप तो अपन निकाल देंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हीप, कोन है तो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपको सब गिवन है, तो सॉल्व कर दें 1/3 ये 22/7, आर कितना आपके पास डायमीटर है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5/2 मल्टीप्लाई 10.5/2 और एच कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 कट कर दें, 2 से आप कट करो 11 टाइम, एक कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से देखो आपका ये हो जाएगा 1.5 टाइम कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया 11 × 1.5 × 10.5/2, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर दोगे ना, तो सॉल्व करने पर ये पूरा पूरा आपका आ जाएगा 86.625, इसको आपको करना है सॉल्व, तो ये तो आ जाएगा 86.625 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका एक पार्ट तो आ गया, जो आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ हीप वो तो हमने निकाल दिया, तो
तो बताओ ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया। द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। इस हीप को कवर्ड किया है एक कैनवास से रेन से बचने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इट फ्रॉम द रेन। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, तो उसका मतलब आपने इसको कवर कर दिया। जब इसको आप बाहर से कवर करोगे बेटा तो मतलब इसका सीएसए ही तो होगा, तो सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। तो आपको वो निकालना है बस, मतलब ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होगा सीएसए ऑफ कोन के। ठीक है, सीएसए ऑफ कोन के वो अपने पास क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। अब देखो आपको यहाँ पर एल पता नहीं है, आपको एल निकालना पड़ेगा, पर यहाँ पर एल निकाल देते हैं। तो अपने पास एल क्या होता है, यह होता है स्क्वायर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सॉल्व करें तो अपने पास देखो आर, आर अपने पास जब डायमीटर अपने पास 10.5 है तो इसका इसका हाफ कर दो तो ये आपका हो जाएगा 5.25। तो 5.25 का स्क्वायर और एच स्क्वायर ये अपने पास 3 का स्क्वायर 9। अब 525 का स्क्वायर जो होता है इसका आप करोगे स्क्वायर तो ये आपका आएगा 5.25 का स्क्वायर आएगा 27.5625 So, यहां से अपने पास इसको आप कंप्लीटली जब करोगे तो ये 27 और 9 कितना, ये आ जाएगा 36.5625। ये आपका कंप्लीटली होता है बेटा, आप अप्रोक्स निकालोगे इसका स्क्वायर रूट तो अप्रोक्स ये आएगा 6.05 मीटर। ये अप्रोक्स आएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट। एल मिल गया, आप तो फर्स्ट में पुट कर देंगे अपन, तो अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट में पुट कर दो। सो फ्रॉम फर्स्ट एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, पाए आर एल, पाए कितना 22/7, ठीक है। अपने पास आर कितना है, देखो अपने पास आर जो है इसका हाफ कर दोगे 10.5 अपॉन 2 और मल्टीप्लाई एल, अपने पास कितना आ गया 6.05। 7 से आपका ये हो जाएगा 1.5, 2 से आपका ये हो जाएगा 11। सो यहां से इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 99.9825 और अपने पास यूनिट किस में, मीटर में है, मीटर स्क्वायर अप्रोक्स ही आ जाएगा। तो आप बोल दोगे क्या आ गया, देयरफॉर एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड ये अपने पास क्या आ गया 99.825 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो समझ लो इसमें दो पार्ट थे, पहला पार्ट तो आपका था वॉल्यूम ऑफ हीप, वो तो आपने निकाल दिया सिंपल फॉर्मूले से, पाए 1/3 पाए स्क्वायर एच से, वो ये आ गया। सेकंड पार्ट में आपको ऐसे कैनवास का निकालना है एरिया जिससे कि आपने उसको कवर किया है, तो कवर करने के मतलब क्या होगा, उसका सीएसए होगा, पाई आर एल होगा। एल आप निकाल दोगे इस फॉर्मूले से, एल आया आपने पुट कर दिया सीएसए में तो एरिया आ गया 99.825 मीटर स्क्वायर। समझ में आया कि ये क्वेश्चन, बोलो।